बीते दिन 10 मार्च को देश के 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें। वहीं बसपा और अन्य के खाते में महज 2-2 सीटें आई। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 सीटें ऐसी भी थी जहाँ जीत हार का फासला सिर्फ 1000 से भी कम वोट का था। इन सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की अल्मोड़ा सीट से मनोज तिवारी कांग्रेस से सिर्फ 127 वोटों से जीते हैं, जबकि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कैलाश शर्मा थे। दूसरी सीट की बात करें तो द्वाराघाट से कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट 182 वोटों से जीते हैं और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अनिल सिंह शाही। वहीं तीसरी सीट श्रीनगर सीट की बात करें तो यहां से भाजपा के धन सिंह रावत 587 वोटों से जीते हैं, इनके खिलाफ कांग्रेस के गणेश गोडियाल। चौथी सीट मंगलौर की बात करें तो यहां से बसपा के करीम अंसारी 558 वोटों से जीते हैं, इनके खिलाफ काजी मोहम्मद निजामुद्दीन कांग्रेस। यही वो एक सीट है जिसमें बसपा ने जीत हासिल की। वहीं आखिरी सीट टेहरी की बात करें तो यहां से भाजपा के किशोर उपाध्याय 951 सीटों से जीते हैं, इनके खिलाफ उत्तराखंड जनेकता पार्टी के दिनेश धनक।